दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी, मोदी सरकार ने भेजे इन जनधन खाते में 5,000 रुपए। जी हाँ, अगर आपका भी जनधन खाता है तब आपको सरकार की तरफ से 5,000 रुपए दिए जाएंगे। मोदी सरकार ने अभी एक बड़ा फैसला लिया है कि इन जनधन खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे किन किन जनधन खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर होंगे और कैसे होंगे, लोगों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इस वीडियो में आगे आपको फुल डिटेल के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप कमेंट में बताओ कि आपका जनधन खाता है या नहीं, आपने अभी तक जनधन खाता खुलवाया है या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताओ। तो चलिए आपको बताते हैं किन किन जनधन खाते में 5,000 रुपए। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आपको बता दें दोस्तों, आपको बता दें भेज रही जनधन खाते में पैसे निकालने से पहले दो तवे चेक करें। जी हाँ, अगर आपका भी बैलेंस, आपका भी जनधन खाते में पैसे आए हैं तब आपको कैसे चेक करना है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप जनधन खाते में पैसा निकालने के से पहले बैलेंस कन्फर्म करना चाहते हैं तो ये आसान तरीका है। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में जहां डेली वर्क का नाम तमाम मुसीबत का सामना पड़ रहा है, वहां पर सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। जी हां, आपको बता दें यानी कल से ही इससे खाता नंबर के हिसाब से निकालने की सुविधा भी दी जाएगी। अगर आप भी जनधन खाता धारक हैं तो आप ब्रांच में जाके सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आपके बैंक खाते में पैसे आए या नहीं। इसका बेहद आसान उपाय है, आप दो आसानी तरीके से ये पता लगा सकते हैं खाते में पैसे आए या नहीं। इसके अलावा बैंक के ब्रांच पर भी आपको इसका पता नहीं चल सकता, लेकिन वहाँ लाइन भी लगने के बाद ये पता करना आसान नहीं होता। स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने खातेदारों के लिए मिस कॉल के जरिए बैलेंस पता करने की सुविधा दी है। अगर आप बैंक में जनधन खाता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है दोस्तों, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें एक नंबर देंगे, वहां पे आप जो अपना बैंक बैलेंस रजिस्ट्रेशन फोन नंबर से इस नंबर पर कॉल करना होगा। इसके अलावा खाताधार अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग बैंक के हिसाब से ये नंबर दिया गया है। जी हाँ, इस नंबर की जानकारी अलग अलग